और अब बात करेंगे मौसम की, जहां छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जहां छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे से 48 घंटे के बीच भारी बारिश होगी, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 24 घंटे में 4 जिले जिसमें कि ऑरेंज और 7 जिले येलो अलर्ट के तहत रहेंगे, जिसमें गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा में ऑरेंज अलर्ट, जबकि कोरबा, धमतरी, महासमुंद, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और लगातार जारी भारी और हल्की बारिश के बाद सुकमा जिला बाढ़ की चपेट में आ गया है। जिला मुख्यालय का ओडिशा से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। झापरा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। नेशनल हाईवे 30 पर गीदम नाला के पास सड़क डूब गई है। दुबाटोटा के पास भी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और छिंदगढ़ के कोकराल पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है, खेतों में पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और मदद के लिए कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। स्कूल्स की फिलहाल छुट्टी रहेगी और चूंकि जिस तरह से तस्वीरें हैं वो साफ कर रही हैं कि बाढ़ का पानी पूरी तरह से हावी है इस वक्त। कांकेर शहर के बीच से होकर गुजरने वाली दूध नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते ये नदी पूरी तरह से उफान पर है और इसे देखते हुए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है और इसे देखते हुए शहर में बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। मुंगेली के मनियारी जलाशय के ओवरफ्लो हो जाने के बाद अब 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। खुड़िया में वेस्टवेयर से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। मैकल पर्वत से घिरे बांध का खूबसूरत नजारा देखने के लिए काफी संख्या में प्रकृति प्रेमी भी आ रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से अव्यवस्था फैला रहे हैं आप देखिए। यहाँ प्रकृति की खूबसूरती को देखने के लिए पर्यटक तो पहुँच रहे हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य है। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर लबालब भरे मनियारी जलाशय में सेल्फी लेने के लिए उतर जा रहे हैं, तो इसके बावजूद खुड़िया पुलिस यहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं कर पाई। और दंतेवाड़ा में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। हारम नदी का जलस्तर बढ़ गया है और बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। और जगदलपुर में भी बारिश की वजह से सड़क पानी में बह गई। आपको बता दें कि 3 साल पहले ही यह सड़क बनाई गई थी और बारिश की वजह से यह सड़क पूरी तरह से टूट गई है और ऐसे में सड़क के कट जाने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यह सड़क नक्सल प्रभावित कोलेंग से भद्रीमू तक जाती है और भद्रीमू तक जाने वाली यह सड़क दरभा को भी जोड़ती है। और कोंडा गांव में अब बारिश मुसीबत का कारण बन गई है। पिछले 2 दिन से पूरे इलाके में हो रही झमाझम बारिश के चलते सभी नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं और नदी नालों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बारिश का पानी घरों तक पहुंचने लगा है। लगातार 2 दिन से इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश का असर ये है कि एक बार फिर बाढ़ के हालात बन गए हैं। ये बारिश कहर बनकर टूटी है, आप देख सकते हैं। ये नारंगी नदी का एक पुल है जिसमें लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और इस तरीके से बारिश होने की और आसार दिख रहे हैं। उससे ये सड़क जो है, जो नारायणपुर और कोंडागांव को जोड़ती है, जो जोंगा बाजार पुल है, ये बंद हो सकता है। लोगों को आवागमन में काफी तकलीफ हो सकती है। बहरहाल बारिश का जिस तरीके से किसान पहले इंतजार करते थे, किसानों का भी कहना है कि अब बारिश काफी नुकसानदेह है, क्योंकि खेतों में फसल निकल आई है और फसल को नुकसान हो सकता है। तो हालात आपको तस्वीरों में दिखाई दे ही रहे हैं। विवेक हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंचे थे और इस वक्त भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विवेक, ये बारिश अभी कुछ और समय तक जारी रहेगी, अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है, हालात और बिगड़ सकते हैं?
जी हाँ, देखिए जिस तरीके से लगातार 2-3 से बारिश हो रही थी और आज भी लगातार बारिश रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो आपको ये दिखा दूं कि देखिए नारंगी नदी का जल स्तर है ये लगातार बढ़ते जा रहा है और अब कुछ ही फीट बाकी रह गया है जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। और यही हाल कुछ अंदरूनी इलाकों का है, जैसे पासंगी नदी है, फरसगांव और रांधा का पूरा मार्ग बंद हो चुका है, वहां पर पुल के ऊपर पानी बहने लगा है और वहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस के जवान और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वहां पर तैनात है, नगर पंचायत के अधिकारी तैनात है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो 2 दिन से बारिश हो रही है वो पूरे बस्तर इलाके में हाहाकार मचा हुआ है, जैसे जगदलपुर में दरभा क्षेत्र में सड़क बह गई है और अंदरूनी इलाके में बाढ़ की स्थिति पानी पानी हो गया, सड़कों पर पानी भर गया है, आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गई। तो ये जो लगातार 2 दिन से बारिश जो हो रही है वो काफी गंभीर स्थिति पैदा कर रही है और हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, रायपुर में पिछले 7 साल से अधूरे पड़े स्काईवॉक के लिए नया टेंडर जारी किया गया और यह टेंडर 31 करोड़ रुपए का है। डिप्टी सीएम अरुण साहब ने बताया कि उच्च स्तर पर इसे लेकर फैसला हुआ है और उसी पर अब आगे बढ़ रहे हैं। ठेका लेने वाली एजेंसी को 8 महीने में काम पूरा करना होगा। बीजेपी सरकार ने 2016-17 में स्काईवॉक बनाने का फैसला लिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर इस पर रोक लगा दी थी और अब 8 महीने में इस प्रोजेक्ट को तैयार किए जाने के लिए बाध्य किया गया है। 31 करोड़ रुपए का नया टेंडर इस पर जारी किया गया है। हमने उच्च स्तर पर निर्णय लिया था कि उस काम को आगे बढ़ाएंगे और उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुंगेली में बस संचालकों के आपसी विवाद से यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। दरअसल लोरमी मुंगेली रोड पर प्राइवेट बस संचालकों की गुंडागर्दी से आए दिन कुछ न कुछ विवाद होता है, आए दिन लोग परेशान होते हैं, मारपीट की खबरें और तस्वीरें भी सामने आती है। देखिए ये वो तस्वीर है जब मुंगेली बस स्टैंड पर मारपीट हो रही थी। दरअसल लोरमी लालपुर थाने में इसकी शिकायत भी की गई है और यात्रियों ने मारपीट का वीडियो बनाकर भी भेजा है और ये परेशानी यात्रियों के लिए काफी गंभीर बनी हुई है। और अभी तक हालांकि कोई स्पष्ट कारण इसका सामने नहीं आया, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली उसके अनुसार सवारियों को बैठाने के चक्कर में फेरे ज़्यादा लगाने को लेकर या पहले कौन निकलेगा, ये सारे विवाद के कारण हो सकते हैं। और बिलासपुर में स्कूली छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रावास में अव्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्कूली छात्राओं ने चक्का जाम कर अपना विरोध जताया है। दरअसल अव्यवस्थाएं हैं कई तरह की, छात्राओं के प्रदर्शन से इस पर अब संज्ञान लेने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इस दौरान जब प्रदर्शन चल रहा था तो लंबा जाम भी सड़क पर लग गया था। पचपेड़ी छात्रावास की छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी और उनकी मांग है कि छात्रावास में दी जाने वाली सुविधाएं कहाँ हैं और कब मिलेंगी। और यहाँ पर छात्राओं ने कई तरह के गंभीर सवालों को भी उठाया है, जिसमें सैनिटरी पैड का भी एक गंभीर मुद्दा है। और मोबाइल की लत कहां लेकर जा रही है इसका अंदाजा आप इस खबर से लगाइएगा, क्योंकि जशपुर से एक बहुत ही दुखद और बड़ी खबर ये कि मोबाइल न मिलने पर एक किशोर ने अपनी जान दे दी। मात्र 15 साल का ये किशोर जिसने आत्महत्या कर ली मोबाइल फोन न मिलने पर। परिजनों से काफी दिन से वो मोबाइल फोन खरीदने के लिए कह रही थी और मोबाइल फोन न मिलने पर यह कदम 15 वर्षीय किशोरी ने उठाया। आपको बता दें कि मां ने धान की फसल बेचने के बाद मोबाइल फोन खरीदने की बात कही थी। पथलगांव थाने के कछार गांव की यह पूरी घटना है और जिनके हाथ में मोबाइल है वो अलग तरह से और जिनके हाथ में मोबाइल नहीं है वो इस तरह से मोबाइल के आदि हो चुके हैं कि कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। थाना पत्थलगांव क्षेत्र अंतर्गत कछार बार पारा में एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस पर पत्थलगांव पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंची तो यह तथ्य सामने आया कि नाबालिग ने अपनी माता से मोबाइल की मांग रखी थी। माता ने असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि अभी खेती बाड़ी का सीजन है, पैसे खर्च हो चुके हैं, बाद में तुम्हारे लिए मोबाइल खरीद दिया जाएगा। इसी से क्षुब्ध होकर नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। इस पर थाना पत्थलगांव में मर्ग कायम किया गया है, जांच जारी है और जो
और कोंडागांव में भारी बारिश के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक शराबी ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। नेशनल हाईवे 30 पर शराबी सड़क पर ही लेट गया और किसी के भी कहने पर वो हटने को तैयार नहीं था। पुलिस उसे हटाने के लिए वहां पहुंची, शराबी को उठाकर सड़क से हटाया और शराबी को हटाने के बाद जब छोड़ा जाता तो वो फिर वापस आकर वहीं पर लेट जाता। आखिरकार पुलिस के जवान शराबी को अपने साथ ले गए और